वो खुद अपने इंट्रोडक्शन नहीं देगी, तो इसलिए मैं दे रही हूँ। वो स्वयं डीन रह चुकी हैं कॉलेज की, प्रोफेसर की, और प्रोफेसर रह चुकी हैं, डीन रह चुकी हैं होम्योपैथी का, वो उन्होंने स्पेशल कोर्स किया हुआ है, और समाज के लिए वो इतने सारे कैंप्स चलाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो इसलिए ताकि जितने भी हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, जितने पिछड़े लोग भी हैं, सभी लोगों को उसमें वो सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे उपस्थित एक एक जन, मैं वंदना जी के बारे में बात करूं, हमारे पास महाजनी भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, या फिर पावकी जी बैठे हैं, हमारे इतने सारे जितने भी लोग आप यहाँ पे, आप इर्द गिर्द देखेंगे, दाएं बाएं देखेंगे, सभी लोगों ने समाज के लिए काम किया है। ये एक छत, ये समय मकरन भाई साहब एकदम निस्वार्थ रूप से काम करते थे। पीछे है वो, देखिए पीछे वो मकरन भाई साहब एकदम कर्मठ, 24/7 उनका काम रहता है कि राष्ट्र हित में जितने भी किताब है वो सारा कुछ वो करें। राजेश्वरी थी, सब कुछ आप उनके क्लिनिक में चाहिए वो आपको बिल्कुल अच्छे से तंदुरुस्त करके भेजेंगी। और ऐसा भी नहीं कि आप दामी दामी महंगे महंगे वाले वो लो ये लो, नहीं, जो आपके लिए एक्चुअली में चाहिए। हमें इस तरीके के लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इनसे आप बात सुनिए, दीदी आगे बढ़ाइए। सो कोरोना वायरस के बारे में हमारी पहले से प्रथा ही है, जब भी कोई छींकता है तो क्या बोलते हैं, चिरंजीव भव, गॉड ब्लेस यू, बाहर के लोग गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, है ना। तो ये प्रथा कब से शुरू हुई पता नहीं, शायद इस तरह का जो पैंडेमिक, विश्व बीमारी जो ये इसको बोलते, पैंडेमिक बोलते हैं, यानी विश्व में फैली हुई बीमारी, तो ये कोरोना वायरस शायद बहुत साल पहले आ चुकी है, और जब भी कोई छींकता था उसकी जान निकलने वाली है शायद। तो इसीलिए ये बहुत सालों के बाद ये जो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में उसमें भी इसका दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि बहुत साल पहले आई थी ऐसी बीमारी, तो ऐसे ही अभी ये फैल रही है। तो ये कोरोना वायरस के बारे में जो सिम्टम्स, जो लक्षण है, ये लक्षण कैसे होते हैं, शुरू होती है एक दो छींकों के साथ, छींक आती है, फिर बाद में थोड़ा सा सर्दी जैसा लगता है, और फिर वो अपने आप घट जाती है, सब लक्षण कम हो जाते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से फीवर, टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर राइजेस 104 तक टेम्परेचर आ जाता है बहुत, और बॉडी एक वगैरह सब होने लगता है, और फिर से वो घट जाते हैं सब सिम्टम्स। वो सिम्टम्स जाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद, एक 10 दिनों के बाद फिर मनुष्य को पूरी तरह से वीकनेस, बहुत ही वीकनेस आता है, और कहीं पर भी वो गिर जाता है, तो गिर के इतना वीकनेस आके गिर जाता है। खांसी होती है वो साधारण खांसी, जो सूखा जो खांसी बोलते हैं, सूखा खांसी होता है, ड्राई कफ होती है, और एक्सपेक्टोरेशन नहीं है वहां पर। तो इस तरह के लक्षण पाए गए हैं कोरोना वायरस में। अब जब लास्ट स्टेज में जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है, तो जो फाइंडिंग्स देखते हैं हम, फाइंडिंग्स में लंग्स जो होते हैं पूरी तरह से फाइब्रोस्ड हो जाते हैं। फाइब्रोस्ड होने के कारण पेशेंट श्वास नहीं ले पाता है और दम उसकी घुटने लगती है। तो ये सब सिम्टम्स पाए गए हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे करके सभी ऑर्गन्स फेल होके उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो बहुत ही कम समय में अचानक से हो जाती है। तो इतना खतरनाक बीमारी है। दूसरी बात यह है कि ये सब लक्षण सुन के घबराना नहीं है, इससे सावधानी लेनी है। ये भारत अपना ऐसा देश है कि यहाँ पर अपने संस्कार इतने अच्छे हैं, और प्रकृति भी इतने अच्छे दिए हैं भगवान ने हमको, कि बहुत धूप वगैरह यहाँ पर है, तो ये जो वायरस है ज्यादा धूप में नहीं, 27 डिग्री इसका मैक्सिमम है, 27 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो मर जाएगा वायरस। सो इतना अच्छा यहाँ पर प्रकृति भी है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है, घबराना नहीं है, पैनिक ही नहीं होना है। पैनिक ही होने से क्या होता है, जब मनुष्य घबरा जाता है तो फ्राइट और फ्लाइट मोड में चले जाता है। तो फ्राइट और फ्लाइट मोड में जाते समय उस दो क्षण में क्या होता है कि पूरा जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो नीचे, एकदम से नीचे घट जाती है, घट के फिर वो हम इन्विटेशन देते हैं वायरस को, आ जाओ। तो घबराने से ये नुकसान हो सकता है, सो पैनिक नहीं होना है, हमको प्रिकॉशंस लेना है। आयुष ने ऑलरेडी एक सर्कुलर दिया है, अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सिद्धा सिस्टम्स में से जो मेडिसिन दिए जाते हैं उसका
ऑलरेडी सर्कुलर पास हो चुका है। लेकिन हम लोग डॉक्टर्स जो है, क्योंकि होम्योपैथी में हम हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग से हम उसको मेडिसिन देते हैं, तो जो आर्सेनिक जो गवर्नमेंट ने आयुष मिनिस्ट्री ने जो आर्सेनिक 30 पोटेंसी में लेने के लिए कहा गया है तो वो हम लोग देते हैं। और इसके अलावा सिम्टम्स, पेशेंट के जो सिम्टम्स अलग अलग से जो आते हैं तो उसके हिसाब से भी हम मेडिसिन देते हैं। तो जो इसकी जो बीमारी की जो ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से देते हैं, पहला तो है प्रिकॉशनरी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑफ क्योर। सो प्रिवेंशन किस तरह से, प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो देकर हम उसका ये करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। और एक तरह है प्रिवेंशन करने का हाइजीन फॉलो करके। तो हाइजीन के लिए क्या करना है कि अच्छी तरह से हाथ धोना है, और जब कोई छींके तो छींकते समय मुंह सामने कुछ कपड़ा वगैरह रख के क्लोज करना है, ठीक है। हैंड हाइजीन फॉलो करना है। आप सबको हैंड हाइजीन, हैंड वॉश के स्टेप्स मालूम है, जो WHO ने 7 स्टेप्स दिए हैं वो 7 स्टेप्स को अच्छी तरह से हाथ धोना है वो फॉलो करना है। तो ये जो है प्रिकॉशनरी मेथड्स है। और दूसरी बात ये है कि प्रिकॉशंस के साथ साथ इंटरवेंशन, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के बाद इंटरवेंशन। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हम बीमार आदमी जब आता है, पेशेंट आते हैं लक्षण लेके, तो उस लक्षण के हिसाब से मेडिसिन लेना। तीसरी बात है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी जब पेशेंट बीमार हो गया है और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा है, बहुत ही सीरियस हो रहा है, तो तब इंटरवेंशनल मेथड्स हम फॉलो करते हैं। जिस तरह से वो कॉम्प्लिकेशन है उस तरह से जो मेडिसिन देना है, ट्रीटमेंट देना है वो हम देते हैं। तो इस तरह से कोरोना वायरस से सभी लोग अवेयर रहिए और सतर्क रहिए और अपनी केयर लीजिए। कुछ डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।